नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवित्र। आप देख रहे हैं टेक ऑन टेक। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भोपाल मेट्रो विल बी नेम्ड आफ्टर द इंडियन किंग। भोपाल मेट्रो का नाम भारतीय राजा के नाम से रखा जाएगा। तो आपको बताना है उस भारतीय राजा का नाम क्या है। उस भारतीय राजा का नाम है राजा भोज। ठीक है, आंसर हमारा ये हो जाएगा, राजा भोज। और भोपाल मेट्रो जो है 2023 में जो है स्टार्ट हो जाएगा। और सीएम कौन है वहाँ का? सीएम है कमलनाथ। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है लाल, सॉरी प्रिंटिंग मिस हो गया, टाइपिंग मिस हो गया। ये जो है गवर्नर हो जाएगा लाल जी टंडन। ठीक है, लाल जी टंडन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया। मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला का नाम किसे दिया गया है? मीडिया में जो है सबसे शक्तिशाली महिला का नाम भारत का, वो जो है कैलीपुरी, कैलीपुरी जो है उसको दिया गया है। और इसको जो है अवार्ड भी दिया गया है, मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया के लिए। और इसको जो है अवार्ड दिया गया था ब्रिटेन पार्लियामेंट के तरफ से, इसको अवार्ड दिया गया था। और ये जो है हाल ही में जो है इंडिया टुडे ग्रुप में काम करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हैज़ इन्वेंटेड व्हिच इंडियन लीडर फॉर करतारपुर कॉरिडोर इनोग्रेशन। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए किस भारतीय नेता का जो है आमंत्रित किया है? उस भारतीय नेता का आपको नाम बताना है जो जिसको जो है पाकिस्तान ने इन्वाइट किया है करतारपुर कॉरिडोर की उद्घाटन करने के लिए। तो उस नेता का नाम है मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह को तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेरिकन स्प्रिंटर रिसेंटली ओन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप बाई कम्प्लीटिंग 100 मीटर्स इन 9.76 सेकेंड। किस अमेरिका के स्प्रिंटर ने हाल ही में 9.76 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी पूरी करके विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? उस अमेरिकन जो है एथलेटिक्स का नाम क्या है? उस अमेरिकन एथलेटिक्स का नाम है क्रिस्टियन कालमैन। ठीक है, आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्रिस्टियन कालमैन, जिन्होंने जो है 100 मीटर रन पूरी किए हैं 9.76 सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल एग कमीशन। अंतर्राष्ट्रीय एग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली एशियाई पहली जो है चेयरमैन कौन बने हैं, अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो है हमारे इंडिया के ही है, इंडिया की सुरेश चितूरी। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा सुरेश चितूरी, आंसर हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो पहली बार है हमारे इंडिया का इंटरनेशनल एग कमीशन का चेयरमैन बना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर एज ए न्यू IAF चीफ। न्यू वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? किसने पदभार संभाला है? तो IAF का मतलब है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स का जो है किसने पदभार संभाला है? तो ये जो है आंसर हमारा ए हो जाएगा, एयर मार्शल RKS भदौरिया। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्स डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो ये जो है USA, मतलब कि अमेरिका ने नंबर वन पे है। ठीक है, अमेरिका में नंबर वन पर है। और सेकंड में कौन है? सेकंड में है सिंगापुर एंड थर्ड में है स्वीडन। ठीक है, और हमारे इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 44। ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है? 44। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है पहले वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वीडियो देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसरो एंड एयरक्राफ्ट टुगेदर हैव सिलेक्टेड 12 एस्ट्रोनॉट्स फॉर व्हिच ऑफ द फर्स्ट मेन्ड मिशंस ऑफ इंडिया। इसरो और एयरक्राफ्ट ने मिलकर भारत के पहली मानवयुक्त मिशन के लिए 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चयन किया है। तो इसरो और एयरक्राफ्ट ने मिलकर जो चुना है 12 जो है 12 अंतरिक्ष यात्रियों के चयन किया है, किसके लिए? गगनयान के लिए चुना गया है। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा, गगनयान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ओन फुटबॉल सेफ
अंडर 18 चैंपियनशिप, निम्नलिखित में से किस देश ने फुटबॉल सेफ अंडर 18 चैंपियनशिप्स जीता है, उस देश का नाम क्या है जिन्होंने जो है अंडर 19 फुटबॉल सेफ चैंपियनशिप जीता है, तो उसका नाम है इंडिया। ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा, इंडिया ने जीता है। और इस खेल जो है सेफ अंडर 18 जो है चैंपियनशिप कहाँ पे किया गया था, जो काठमांडू में किया गया था। और सेफ का मतलब क्या है, एशियन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुए थे, 1997 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिसेंटली राजनाथ सिंह लॉन्चेज द फर्स्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A नेम्ड एज। हाल ही में राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज लॉन्च किया, जिसका नाम आपको बताना है, उसका नाम क्या है। हाल ही में जो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो लॉन्च जो शिप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है INS नीलगिरी। ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा, INS नीलगिरी। और इसको इस जो शिप जो इस जहाज जो है जहाज को किसने बनाया था, माजोगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई, मुंबई में है। ठीक है।